राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में विशेष बच्चों की ब्लॉक स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसएमसी अध्यक्ष पूनम शर्मा रही। प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने तथा समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में शिक्षा खंड हमीरपुर के विभिन्न स्कूलों की 2 दर्जन विशेष बच्चों ने भाग लिया। जलेबी दौड़ प्रतियोगिता में शैलिक और शुभम प्रथम स्थान पर रहे। चम्मच दौड़ में शाहिल चित्रकला प्रतियोगिता में शैली ने प्रथम स्थान हासिल किया। साहिल और मनीषा के नृत्य ने सबका मन मोह। कार्यक्रम में मंच संचालन शारीरिक शिक्षक जगदीश चंद और विशेष शिक्षक बलवीन कुमारी ने किया। इस मौके पर स्थानीय स्कूल के स्टाफ सदस्यों सहित अन्य स्कूलों से आए अध्यापक और विशेष बच्चे व उनके अभिभावक मौजूद रहे। आज हमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल में एक ब्लॉक स्तरीय एनवायरमेंट बिल्डिंग प्रोग्राम अपने दिव्यांग बच्चों का रखा था। इसमें जो हमारा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा विद्यालय जो है दिव्यांग बच्चों के लिए इंक्लूसिव मॉडल स्कूल जो है घोषित किया गया है 2015 में। हमारे पास इस टाइम यहाँ पर लगभग 20 बच्चे जो हैं वो नॉर्मल क्लासरूम्स में पढ़ाई कर रहे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं। इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, ताकि ये भी बच्चे हमारे नॉर्मल बच्चों की तरह आगे बढ़ सके स्पोर्ट्स में, कल्चर में, पढ़ाई में भी। आज हमने एक ब्लॉक स्तरीय कंपटीशन रखा था जिसमें पूरे हमीरपुर ब्लॉक के बच्चों ने, लगभग 60 बच्चों ने भाग लिया। अलग अलग प्रतियोगिताएं हमने इन बच्चों से करवाई। कुछ बच्चों ने कल्चर प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, डांस किए, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवाया गया। साथ में एक हमने वो जलेबी रेस करवाई। अलग अलग कंपटीशन जैसे बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उन बच्चों को हमने जूनियर वर्ग वाले बच्चों का अलग से कंपटीशन करवाया और सीनियर वर्ग वाले बच्चों का जो था वो अलग से। बच्चों ने बड़ी खुशी से इस कंपटीशन में भाग लिया। ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन हम तभी करवाते हैं कि नॉर्मल बच्चों की तरह ये बच्चे भी आगे बढ़े, इन बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा जो है वो कर सकता है। और हमारी यही कोशिश रहती है मेरे स्टाफ की, हमारे जो मैडम स्पेशल एजुकेटर हैं बबलीन जी, वो बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को, सभी बच्चों को, कि वो पढ़ाई के साथ साथ हमारे नॉर्मल बच्चों की तरह जो है वो हम इन बच्चों को शिक्षा दे सके। हमारा यही उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दिन रात जो है बच्चों के पेरेंट्स के साथ, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो मेहनत कर रहे हैं और इन बच्चों से भी हम करवा रहे हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम इन बच्चों से ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन जो है वो करवाते हैं। धन्यवाद।